केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात कर केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान डॉक्टर प्रणव पांड्या ने जम्मू कश्मीर के 100 छात्रों को अपनी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रणव पांड्या के इस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें यदि महत्वपूर्ण देखेंगे तो 370 को हटाना और 35 को निरस्त करना, ये देश के इतिहास में 70 वर्षों से हम कह रहे थे कि नहीं, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलने हैं, चलने चाहिए। आज वो काम, और उस काम में भी बहुत ताकत के साथ और बहुत शांति के साथ, जिस तरीके से आज कश्मीर खड़ा हुआ, लद्दाख खड़ा हुआ है पूरे देश के साथ, और जिस तरीके से पूरी दुनिया, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, पूरी दुनिया जिस तरीके से हिंदुस्तान के पीछे खड़ी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी हो गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। लाइव उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।